दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, ये चिकना सरफेस है तो आपको अलग ही दिख रहा होगा एकदम पूरा पूरा कट होने के बाद। दोस्तों अभी इसमें स्क्रैच मार रहा है, देखिए आप स्क्रैच देखिए पूरा पैच। स्क्रैच मारने के बाद कितना बढ़िया दिख रहा है, और हवा मार के आगे के ड्रम में। दोस्तों इसमें हम लोग वाइब्रेशन ले रहे हैं, देखो बिल्कुल मैच हो गया दोस्तों आपका जॉइंट। इसके टॉप सरफेस तो लाइम पाउडर मारने से दोस्तों क्या, इसके जो एयर वॉइड्स रहते हैं ना दोस्तों डामर के, वो फिलअप हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ 102 चैनल पे, और दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक पैच हुआ है BC में, और ये पैच दोस्तों जनरली नॉर्मल पैच है, ये गड्ढा नहीं बोलेंगे इसको, ये स्लाइडिंग हुआ है। जो आपका BC होता है जनरली क्या होता है, कुछ ज़्यादा टाइम के बाद दोस्तों स्लाइड हो जाता है, तो ये जो BC मैंने लगभग 1.5 साल पहले की थी, तो अभी इसमें दोस्तों एक पैच स्लाइड हुआ है। और ये पैच स्लाइड क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या नीचे की सरफेस ज़्यादा चिकनी रहती है या डीजल वीजल जब गिर जाता है तो उस हिसाब से दोस्तों ये चिकना होने के कारण दोस्तों स्लाइड हो जाता है। दोस्तों ये जो आप पैच देख रहे हैं, ये देखिए आप, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, देखो आपको समझ में आ रहा है, सरक गया है, स्लाइड हो गया दोस्तों। दोस्तों इस टाइप का जो पैच बनता है उसमें दो कंडीशन रहती है, या तो दोस्तों जब आप BC का टॉप लेयर जब आप लेइंग कर रहे हैं उस टाइम पे आपने क्लीनिंग को ध्यान नहीं रखा होगा, अगर इसके अंदर मिट्टी विट्टी रहेगी तब ये स्लाइड हो जाता है। और दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों, जब आपका DBM का टॉप बहुत ज़्यादा बर्कअप हो जाता है, ज़्यादा चिकना हो जाता है, तब दोस्तों ये कंडीशन बनती है, तब वो कुछ चिकना बन जाता है तो उसके ऊपर दोस्तों ये पकड़ नहीं होती प्रॉपर। पर दोस्तों अगर जो फर्स्ट वाला केस होता, अगर सफाई वाला क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होती, तो दोस्तों ये अभी तक बहुत पहले हो जाता है, क्योंकि ये लगभग 2 साल हो गया दोस्तों इसको, अब हुआ है दोस्तों ये पैच। तो इसमें क्या हुआ है, DBM का सरफेस दोस्तों ज़्यादा वर्कअप हो जाने के कारण, ज़्यादा चिकना हो जाने के कारण दोस्तों ये समस्या आती है दोस्तों। तो अभी दोस्तों इसको हम लोग इसको पूरा पैच बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया है, और दोस्तों अब इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, और सबसे पहले दोस्तों JCB से इसको रिमूव करेंगे, जो क्योंकि दोस्तों ये इसके लिए पहले रेक्टिफिकेशन पूरा करना पड़ेगा, हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करने के बाद इसमें स्क्रैचेस करने पड़ेंगे, स्क्रैचेस करने के बाद तब दोस्तों आपका ये पैच प्रिपेयर होगा दोस्तों अच्छी तरह से। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, ये चिकना सरफेस है तो आपको अलग ही दिख रहा होगा, एकदम पूरा पूरा बाहर निकल आया एक बार में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या सरफेस बहुत ज़्यादा चिकनी थी, इस कारण से दोस्तों ये नीचे वाले सरफेस से अच्छे से वाइंड अप नहीं हो पाया, इस कारण दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी सबसे पहले दोस्तों जो मैंने हमने मार्किंग की है उसके हिसाब से इसको कट कर लेंगे, कट करने के बाद दोस्तों फिर इसमें स्क्रैच करेंगे, प्रोसीजर पूरा रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे जितना हमने पैच का मार्क किया था उस हिसाब से दोस्तों हमने कट कर रहे हैं, और कट होने के बाद दोस्तों फिर इसमें क्या स्क्रैच मारेंगे, क्योंकि ये पैच हुआ है केवल चिकने सरफेस के कारण, अभी इसमें स्क्रैच मार देंगे तो आगे के लिए दोस्तों ये समस्या नहीं रहेगी दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे पैच अपना कट हो गया, कट होने के बाद दोस्तों अभी इसमें स्क्रैच मार रहे हैं, देखिए अब स्क्रैच जो आपका बैक लोडर है दोस्तों, इससे आप अच्छे से स्क्रैच मार दीजिए, क्योंकि तभी दोस्तों ये समस्या अगली बार नहीं आएगी, नहीं तो ये समस्या बार बार आ सकती है दोस्तों। ये देखिए आप अच्छे से, क्योंकि स्क्रैच अच्छे से हो जाएंगे दोस्तों तभी मज़ा आएगा। और दोस्तों जब भी आप पैच वर्क कर रहे हैं या इस टाइप का कोई भी काम कर रहे हैं मेंटेनेंस का, तो दोस्तों हमेशा स्क्वायर में बनाइए पैच, पैच अगर आपका स्क्वायर में नहीं रहेगा तो आपका रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। और साफ़ सुथरा हुआ काम अगर आपको चाहिए साफ़ सुथरा, तो आपको स्क्वायर में ही पैच बनाने पड़ेंगे उसको, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रैच में कट किया है। अब इसको स्क्रैच मारने के बाद फिर इसको क्लीन करेंगे, हमारे पास कंप्रेसर है, कंप्रेसर से हम लोग इसको क्लीन करेंगे अच्छे से, क्लीन करने के बाद फिर इसमें टैक कोट लगाएंगे, फिर इसमें BC का मटेरियल डाल के इसको प्रिपेयर करेंगे पैच को। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमने ट्रैक्टर का कंप्रेसर है, ये हमारे पास कंप्रेसर, हमने हम लोग हवा मार रहे हैं स्क्रैच मारने के बाद, अभी देखिए पूरा पैच। स्क्रैच मारने के बाद कितना बढ़िया दिख रहा है, और हवा मार के उसको अच्छे से साफ कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे सफाई करने के बाद हमने अच्छे से इसमें हमने टैक कोट लगाया है, टैक कोट बोले या इमल्शन बोले, ये तो RS1 रहता है रैपिड एक्शन वाला,
तो इसको लगाने के बाद दोस्तों ये लगभग 15 से 20 मिनट के बाद दोस्तों एक बढ़िया रिजल्ट देता है। जब भी आप इसमें टैक कोट लगा रहे हैं तो उसके बाद दोस्तों इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट दोस्तों इसको लगाने के बाद हवा लग जाती है तो दोस्तों इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। और अब दोस्तों जैसे ही हमने छोड़ दिया इसको 10-15 मिनट के लिए, फिर इसके बाद दोस्तों हम इसमें बीसी का मटेरियल डालते हैं और इसको पैच को प्रिपेयर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आ गया अपना टिपर, इसके अंदर हमने थोड़ा सा मटेरियल मंगाया था जितना हमको लगने वाला था, तो हम खाली करके दोस्तों और हम बना रहे हैं पैच। दोस्तों यहाँ पे हमने गाड़ी से मटेरियल तो ले लिया है, देखो जितना लगेगा उतना डाल के फिर उसको बराबर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अवेलेबल हमारे पास जेसीबी, तो जेसीबी दोस्तों फैला लेते हैं मटेरियल को, फैला लेंगे तो उससे पैच अच्छा बन जाएगा, लेबर को काम कम करना पड़ेगा। अवेलेबल रिसोर्स जो रहते हैं आप उसी से बनाइए दोस्तों, अगर क्योंकि मैनुअल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो पानी जैसा माहौल हो रहा है तो थोड़ा सा उसको उसको फैला लेते हैं। बस दोस्तों जेसीबी से हमने थोड़ा थोड़ा फैला लिया इसको और अब तो मैनुअली दोस्तों उसको लेबर से हम लोग पैच प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हमारा पैच हो गया है रेडी, अब इसके ऊपर दोस्तों हम रोलिंग कर रहे हैं, मटेरियल जो भी हमें डालना था बीसी का हमने डाल दिया है, उसको फैला के अब इस पर दोस्तों हम लोग रोलिंग कर रहे हैं। रोलिंग हमने स्टार्ट की है, रोलिंग करने से पहले दोस्तों पहले जो भी ओवर मटेरियल है उसको साफ करके बाहर फेंक दीजिए, हमने झाड़ू से पूरा साफ कर दिया है। अब दोस्तों हम कर रहे हैं रोलिंग। अब दोस्तों सारा खेल दोस्तों पैच का है, लेबल करने का वो है इस रोलर का काम, क्योंकि जो रोलर है वो ही पैच को मैच करेगा, नहीं तो क्या ऊंचा नीचा हो जाता तो जर्क लगता है, तो जर्क नहीं लगना चाहिए, जर्क लगेगा तो काम खराब हो जाएगा। और इस टाइप से जैसे वो काका हमारे झाड़ू लगा रहे हैं वो क्या है वहाँ पे ओवर मटेरियल जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसको बाहर कर दीजिए, नहीं तो वो बहुत गंदा लगता है वो। अभी सबसे पहले दोस्तों रोलिंग करने के लिए सबसे पहले तो जॉइंटों पर रोलिंग की जाती है, तो हमारे जो उस्ताद है विमल वो भैया जॉइंट पर रोलिंग कर रहे हैं। देखो पहले दोनों किनारे, मैं जॉइंट बोलो टेक्निकल वर्ड हो जाएगा, पर ये किनारों पे दोस्तों सबसे पहले रोलिंग किया थी, जब किनारों पे रोलिंग की तभी दोस्तों आपके किनारे एकदम मैच होते हैं दोस्तों। देखो एक साइड के पहले हमने किनारे पर रोलिंग की, अभी दोस्तों दूसरे साइड के किनारे पे रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो किनारे रहते हैं ना वो पहले आप अच्छे से रोलिंग कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों सेंटर वाला पोर्शन को रोलिंग करिए तभी आपके जॉइंट मिलेंगे, नहीं तो जॉइंट ये ऊँचे नीचे रहेंगे फिर दोस्तों आपको जर्क महसूस होगा जब आप गाड़ी इसके ऊपर से चलाएंगे ना, इसलिए दोस्तों जर्क महसूस होता है। काम करिए, सफाई से करिए, आराम से करिए, तभी समझ में आएगा दोस्तों। अभी जब ये पैच बन जाएगा उसके बाद मैं इस पर लाइम पाउडर मारूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे मैंने पैच बनाया है। ये देखिए दोस्तों दोनों तरफ के किनारे अच्छे से रोलिंग करने के बाद फिर दोस्तों रोलिंग करेंगे हम सेंटर वाले पोर्शन पे, तभी आपका पैच एकदम बढ़िया बैठेगा, नहीं तो जर्क महसूस होंगे दोस्तों आपको। तो पैच को अच्छे से मिलाने का दोस्तों सारा खेल है दोस्तों वो है इस रोलर का ही कमाल है। आप जितना अच्छा रोलर चला देंगे ना आपका पैच उतना अच्छा कॉम्पैक्टेड हो जाएगा और आपको उसका जर्क भी पता नहीं चलेगा, इसके जॉइंट भी पता नहीं चलेंगे। वाइब्रेशन है दोस्तों, ये इस रोलर का फुल वाइब्रेशन है दोस्तों, आप जितना वाइब्रेशन दे सको उतना दे दो दोस्तों। डबल ड्रम रोलर होते हैं ना, दोनों ड्रमों में दोस्तों वाइब्रेशन रहता है, आप दोनों का ले सकते हैं एक साथ, सिंगल का भी ले सकते हैं, आगे वाला का भी ले सकते हैं, पीछे वाले का भी, और सिंगल का भी ले सकते हो, और डबल ड्रम दोनों एक साथ रोल कॉम्पैक्शन भी ले सकते हैं आप फुल वाइब्रेशन में। अभी हम आगे का ड्रम का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ऑपरेटर को आगे का ड्रम प्रॉपर दिख रहा है ना, कहाँ तक ले जाना कहाँ तक नहीं ले जाना।
एक बार दोस्तों ये रोलर पूरा चल जाएगा ना यहाँ पे, पूरा कॉम्पैक्शन होने के बाद, फिर इसके दोस्तों छोटे मोटे जो सेक्रीगेशन रह जाता थोड़ा बहुत कहीं प्लस माइनस जो थोड़ा बहुत मटेरियल की अगर जरूरत रही, तो एक बार और डाल के फिर उसको तो फाइनल रोलिंग कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लाइम पाउडर इसमें डाल देंगे। देखो हमारे आशू भैया चेक कर रहे हैं पूरा बेड, पूरा पैच चेक कर रहे हैं, उनको देख। दोस्तों एक बार रोलिंग करने के बाद एक बार पैच को पूरे से अच्छे से चेक कर लो आप, कि कहीं कहीं सेग्रीगेशन तो नहीं है। जैसे यहाँ पे थोड़े बहुत कोनों पे हल्का हल्का थोड़ा सा जहाँ जहाँ मटेरियल लग रहा था हमने डाल दिया है। अभी दोस्तों इसकी एक बार और रोलिंग करेंगे दबा के, उसके बाद दोस्तों फिर इसमें हम जो लाइम पाउडर है हमारे पास वो लाइम पाउडर डालेंगे। अभी काका हल्का हल्का जहाँ जहाँ मटेरियल लग रहा है वो डाल रहे हैं, और इसकी फिर से हम रोलिंग करने वाले हैं। दोस्तों जो डामर का वेस्ट मटेरियल रखा है वो इस टाइप से आप इकट्ठा मत करिए, उसको पूरा फैला दीजिए, उसके ऊपर रोलर वोलर चला दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या शोल्डर है, शोल्डर पे दोस्तों अगर इस टाइप से रखेंगे तो कोई एक्सीडेंटल वे एक्सीडेंट रहता तो प्रॉब्लम होती है। इस केस में उसको पूरा फैला दीजिए और रोलर चला दीजिए, इससे सेट हो जाएगा वो। और दोस्तों हमने मटेरियल डाल दिया है, अब इस पर कर रहा है रोलिंग। यहाँ पे दोस्तों जो हमने सेग्रीगेशन के लिए जो ऊपर से अलग से छोटा थोड़ा माल डाला, उसके बाद दोस्तों फिर इसकी रोलिंग कर रहा है एक बार। भाई अच्छा काम करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, पर काम तभी अच्छा होगा जब आप तरीके से करेंगे प्रॉपर और थोड़ा टाइम देके करेंगे, जल्दीबाजी का काम नहीं है। दोस्तों अभी देखो मैं कर रहा हूँ इसको, मेरे को 2 घंटे लगे इस पैच को बनाने में, पर दोस्तों तरीके से तभी बनेगा, इसको जरा सा भी जर्क महसूस नहीं होगा। दोस्तों बिल्कुल 0-0 मैच कर दिया मैंने इसको। ये देखो दोस्तों हम फाइनल रोलिंग का पास मार रहे हैं दोस्तों, वाइब्रेशन का जॉइंट पे। आगे के ड्रम में दोस्तों इसमें हम लोग वाइब्रेशन ले रहे हैं, देखो बिल्कुल मैच हो गया दोस्तों आपका जॉइंट। चलो अपना पैच हो गया दोस्तों रेडी, अब इसमें अपन मार देंगे सीधे लाइम पाउडर, और फिर उसके ऊपर से अपन ट्रैफिक मूव करते हैं, तो ये हो गया कंप्लीट। देखो हमने दोस्तों यहाँ पे लाइम पाउडर मारने के बाद ऊपर से इसमें झाड़ू भी लगा दिए, जिससे क्या पूरे सरफेस पे आपका लाइम पाउडर एक जैसा रहेगा, झाड़ू मारने का ही फायदा है। और काफ़ी लोग दोस्तों ये पूछते हैं कि आप लोग लाइम पाउडर क्यों मारते हैं दोस्तों इसके टॉप सरफेस, तो लाइम पाउडर मारने से दोस्तों क्या इसके जो एयर वॉइड्स रहते हैं दोस्तों डामर के वो फिलअप हो जाते हैं दोस्तों, इसमें पूरा गैप भर जाता है। जैसे आपको नज़दीक से दिखाऊँ ना, अभी आप ये देखेंगे तो ये पूरे गैप इसके रहते हैं ना वो पूरे भर जाते हैं दोस्तों, ये पूरे गैप भर जाते हैं, इससे क्या होता है बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। और जो अभी इसके ऊपर हम लोग ट्रैफिक छोड़ देंगे, तो ट्रैफिक छोड़ने के बाद दोस्तों क्या होगा, इसके ऊपर से जो गाड़ियाँ निकलेंगी तो उसके अंदर उनके टायरों पे ये डामर चिपकेगा नहीं, चिपकेगा नहीं तो दोस्तों ये उखड़ेगा नहीं, ये भी एक रीज़न रहता है। ये तो पूरे सरफेस तो अच्छे से हमने लाइम पाउडर मार दिया है, अभी हमने कौन वन हटा दिए हैं, अभी दोस्तों छोड़ दें इसके ऊपर ट्रैफिक और चालू करते हैं उसको। एक आध गाड़ी इसके ऊपर से निकाल के मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई गाड़ियाँ अभी आराम से निकलने लगी हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ आ नहीं रही। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नई वीडियो में, धन्यवाद।